राजस्थान में कम टाइम में एकदम उभर के आने वाली पार्टी बीएपी भारत आदिवासी पार्टी वर्तमान के राजस्थान में तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आ रही है। इस पार्टी से वर्तमान में 4 विधायक और 1 सांसद बने हैं। विगत कुछ वर्षों से देखें तो भारत में कई क्षेत्रीय पार्टियां उभर के आ रही है और चुनाव के परिणाम भी उनके पक्ष में आ रहे हैं। ऐसा क्यों? आज के टाइम में लोगों को राष्ट्रीय पार्टी से ज़्यादा क्षेत्रीय पार्टी पर भरोसा क्यों है? इनमें से कुछ क्षेत्रीय पार्टियां जो बिल्कुल कम टाइम में तेजी से उभर के आ रही है, उसमें से है पवन कल्याण की पार्टी जनसेना, आजाद समाज पार्टी, यूपीए के पार्टी तमिलनाडु, बीएपी पार्टी। आज हम बात कर रहे हैं बीएपी पार्टी की, जिसके संस्थापक राजकुमार रोत, संस्थापक सदस्य कांतिभाई आदिवासी है। यह पार्टी राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में मात्र 84 दिन पहले बनी पार्टी बीएपी वर्तमान राजस्थान में तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आ रही है। आइए जानते हैं इस पार्टी के बारे में। आज हम इस वीडियो में इस पार्टी की स्थापना कब और कैसे हुई, आखिर क्या बातें रही जिस वजह से दक्षिणी राजस्थान के लोग राष्ट्रीय पार्टी से ज़्यादा बीएपी नाम की क्षेत्रीय पार्टी में विश्वास करने लगे, आइए शुरू से जानते हैं आखिर कैसे हुआ सब। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर में भील समुदाय के लोग ज्यादा है। ये सभी लोग अपने हक अधिकार के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे। इस धरती पर कई क्रांतिकारी लोग जन्मे, जैसे राणा भुंजा भील, बांसिया भील, कालीबाई, गोविंद गुरु, संत माहूजी महाराज। इनमें से एक गोविंद गुरु थे जिनका नाम आपने मानगढ़ घटना में जरूर सुना होगा। गोविंद गुरु हमेशा भील और भी जनजाति थी उनके साथ रहते हुए आदिवासी लोगों को एकजुट और जागरूक किया था। बट वर्तमान में आदिवासी लोग 4 अलग अलग राज्यों, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बढ़ने की वजह से रोत बताते हैं। मांगड़ हत्याकांड जो हुआ था ये बिल प्रांत की स्थापना करने के लिए हुआ था। अंग्रेजी शासन व्यवस्था में ही बिल प्रदेश की डिमांड को लेके ये आंदोलन हुआ था। बिल राज कायम करना चाहते थे गोविंद गुरु महाराज, उस बिल प्रदेश की डिमांड को हम तेजी से बढ़ाएंगे। तो वर्तमान में उसी मांग को आगे रखकर अलग से बिल प्रदेश बनाना है, उसी विचारधारा से इस पार्टी का निर्माण हुआ है। पहले क्षेत्र में आदिवासी परिवार सोशल मूवमेंट चलाते थे और ये जगह जगह जाकर क्षेत्रीय समस्या का उजागर करते थे और उनके आवश्यक उद्देश्य के बारे में बताते थे, जैसे आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें सशक्त बनाना, आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्य करवाना, आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करना और भी कई मुद्दे, साथ ही प्रत्येक बिल प्रदेश की मांग, ऐसे कई अहम मुद्दे थे। इन आवश्यक उद्देश्य को पूरा कराने के लिए कई बार धरने पर भी बैठे रहते थे बट उनकी मांगे पूरी नहीं होती थी, फिर तब जाके राजनीति में जाने की सोचते। शुरुआत में राजनीति में उतरने के लिए गुजरात की राजनीतिक पार्टी बीटीपी भारत ट्राइबल पार्टी का सहारा लेते, उनके बैनर तले उतरते और 2 विधानसभा सीटें जीतने में सफल रहते हैं। सागवाड़ा और 84 में, जहाँ सागवाड़ा के विधायक राम प्रसाद डिंडोर बनते हैं और 84 के राजकुमार रोत, और ये दोनों 5 साल का कार्यकाल इसी पार्टी से पूरा करते हैं। फिर अगले विधानसभा चुनाव आते हैं 2023 में। इससे पहले राजकुमार रोत, कांतिभाई आदिवासी, मोहनलाल रोत सब ने मन बना लिया था इस विधानसभा चुनाव में खुद की नई पार्टी लॉन्च करेंगे। नई पार्टी बनाने की वजह बताते हैं राजकुमार रोत और उनके साथी नेता। दस सितंबर 2023 को डूंगरपुर के गेंजीघाटा विकास नगर में नई पार्टी लॉन्च होती है। फिर आगे जाकर विधानसभा 2023 में बीएपी पार्टी की तरफ से 27 कैंडिडेट उतारे जाते हैं, जिसमें 3 सीटों पर जीत दर्ज होती है। विधानसभा क्षेत्र 84 से राजकुमार रोत, धरियावत से थावरचंद, आसपुर से उमेश मीणा की जीत होती है। इस विधानसभा चुनाव में दक्षिण राजस्थान में बीएपी पार्टी का इतना प्रभाव रहता है कि इनकी पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र में दूसरे या तीसरे स्थान पर रहती है और लगभग हर जगह से 50,000 से ज्यादा वोट एक्रॉस करती है, जो कि चौंकाने वाला रिजल्ट था। यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके बाद आगे जाकर लोकसभा चुनाव में बीएपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रोत, राजकुमार रोत को बांसवाड़ा डूंगरपुर संसदीय क्षेत्र का उम्मीदवार बनाते हैं, जिसमें राजकुमार रोत की जीत होती है और वो सांसद बन जाते हैं। आगे उपचुनाव होते हैं जिसमें जयकृष्ण पटेल, अनिल कुमार कटारा की जीत होती है और सोलुम्बर के प्रत्याशी बहुत कम वोटों से, मात्र 1285 वोटों से हार होती है। इस तरह से उपचुनाव के बाद 4 विधायक और 1 सांसद है और वर्तमान राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस के बाद ये तीसरी पार्टी के रूप में उभर के आ रही है। आइए अब ये जानते हैं ये नई नवेली पार्टी दक्षिण राजस्थान के लोगों को अपनी ओर जोड़ने में कैसे सक्षम रही, कुछ फैक्टर है जिसने सभी लोगों को प्रभावित किया। फर्स्ट, जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली। इसमें पहली चीज है कि उम्मीदवार उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का होना चाहिए, मतलब उसी निर्वाचन क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। सेकेंड चीज,
पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशनल ढांचा है उसमें हर बूथ से 10-10 लोगों की कोर लोगों की टीम है और वो तीन नाम अपने से ऊपर वाली यूनिट को भेजेंगे जो कि ब्लॉक लेवल की यूनिट है। ब्लॉक पे सारे बूथों के नाम आएंगे और उनमें फिर इलेक्शन होगा। वहां से फिर तीन नाम ब्लॉक से ऊपर तहसील लेवल पर, फिर वहां तय होगा कि कौन तीन का नाम आगे जाएगा और फिर विधानसभा के लेवल पर तीन नाम पहुंचते हैं और ये तीन तीन का प्रोसेस चलता जाएगा, फाइनल होता है। तो जो टॉप थ्री है उसमें जो टॉप होगा वो आपका उम्मीदवार होता है। सेकेंड, इसमें परिवारवाद नहीं है, अर्थात एक ही घर में लोगों को राजनीति का अवसर न देकर पार्टी और आदिवासी विचारधारा से समर्पित इंसान को मौका दिया जाता है। थर्ड, विचारधारा इनकी साफ है और वहाँ के स्थायी लोगों के अनुसार इनके पार्टी में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी भरी हुई है, इसलिए आज के टाइम में इनके साथ सर्व समाज जुड़ता जा रहा है और इस तरह से कई अहम चीज़ें जो इस पार्टी को खास बनाती हैं।